साथियों, आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो अस्थमा डिजीज दमा डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। दमा डिजीज यह डिजीज अक्सर बूढ़े, जवान और बच्चे तीनों में देखा जा सकता है। यह डिजीज का मुख्य लक्षण जो होता है, सांस लेने में काफी कठिनाई होती है और गले में साय साय की आवाज, सीटी की तरह आवाज सुनाई देती है। हवा फेफड़े तक पहुंचना बहुत कठिनाई हो जाती है और बहुत परेशानी होती है। खांसी, बलगम, सीने में दर्द और खास तौर से सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, जिसके वजह से गले में सीटी की तरह आवाज, साय साय की आवाज सुनाई देती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। यह बीमारी जेनेटिक या स्मोकिंग के कारण या एलर्जी के वजह से या अधिक धूल या डस्ट के जगह पर रहने के वजह से अस्थमा या दमा की बीमारी हो जाती है। ऐसे अवस्थाओं में सर्वप्रथम होम्योपैथिक की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन नंबर एक जस्टिशिया क्यू मदर टिंचर 10 बूंद 3 टाइम खाने के लिए देनी है। साथियों, नंबर दो मेडिसिन बलाटा ओरिएंटेलिस क्यू मदर टिंचर 10 बूंद 3 टाइम वाटर के साथ मिलाकर खानी है। गले में सीटी की तरह आवाज, साय साय की आवाज, सांस लेने में काफी कठिनाई होती हो, ऐसे अवस्थाओं में बलाटा ओरिएंटेलिस दवाई बहुत ही बेहतरीन होती है। या किसी भी प्रकार की दमा हो, किसी भी अवस्थाओं की दमा हो, किसी भी तरह की दमा हो, इसकी मुख्य दवाई यह होती है बलाटा ओरिएंटेलिस क्यू। दवाई नंबर तीन जो आपको चलानी है पोथोस क्यू 10 बूंद 3 टाइम हाफ कप वाटर में मिलाकर पीनी है। इतना ही नहीं, और एक दवाई नंबर आगे चार बायो कॉम्बिनेशन 2 यह टैबलेट होती है। बड़ों को 4 टैबलेट 3 टाइम चूस कर खानी है। बच्चे को इनका हाफ 2 टैबलेट 3 टाइम चूस कर खाने के लिए देनी है। जितनी भी दवाइयां मैंने बताया ये बड़ों के लिए, अगर बच्चा हो या छोटा हो तो इस डोज को हाफ कर देना है और हाफ करके उन्हें वाटर के साथ पिलाना है। यह दवाई बहुत ही अच्छी होती है, आप इन्हें चलाएं, अवश्य लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, कब सीने में जम गया हो, बलगम निकलता नहीं हो, सांस लेने में काफी कठिनाई होती हो, ऐसे अवस्थाओं को भी यह ठीक करने में सक्षम है। आप इन्हें चलाकर देखें, यह अस्थमा की मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन में बता रहा हूं। और अगली दवाई आप एक कॉम्बिनेशन बना लें, एंटीमोनियम टाट 30 CH प्लस इपिका 30 CH प्लस आर्सेनिक आलू, इन तीनों को मिलाकर आप एक कॉम्बिनेशन बना लें और 5 बूंद 3 टाइम यूज करें। ये जितनी भी सारी दवाई हम लेनी है ये SBL कंपनी की 30 ml की दवाई आप यूज करें और इस दवाई को आप चलाएं। आप चलाते ही आप देखेंगे शीघ्र ही आपको लाभ मिलने लगेगा। बहुत ही अच्छी दवाई होती है, बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। साथियों, ये जो मैंने आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया, जो आपको मैं बताया, ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताया। इस दवाई को आप चला कर देखें, बहुत ही गुणकारी दवाई होती है। साथियों, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें।